पंकज त्रिपाठी जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। पिछले दिनों वे अपने गांव बिहार के गोपालगंज आए हुए थे। मुंबई के चकाचौंध में रहने वाले पंकज जब अपने घर आए तो उन्हीं पगडंडियों पर चहलकदमी करते हुए नजर आए, जिन पर चलकर वे मुंबई तक का सफर तय किया है। पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के बरौली प्रखंड में बेलसड़ गांव के रहने वाले हैं। जब वे एक साल के बाद अपने गांव पहुंचे तो ठेठ बिहारी अंदाज में नजर आए। जिले के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी आनंद कुमार उन्हें परिसदन में सम्मानित किया। दरअसल पंकज त्रिपाठी की फिल्म मिमी आने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और दर्शक इस ट्रेलर को खूब पसंद कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, इसलिए वे अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने गांव आए थे। उन्होंने कहा कि माँ पिता का आशीर्वाद मिल गया तो फिल्म जरूर हिट होगी। जब कभी उनकी नई फिल्म आती है तो वे रिलीज होने से पहले अपने माँ पिता से आशीर्वाद लेने माया नगरी से अपने गांव जरूर आते हैं। थोड़ी सी बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी और एक कोइंसिडेंट है और रिचुअल भी कह सकते हैं, जो कोइंसिडेंट रिचुअल में तब्दील हो गया। कोई भी बड़ी रिलीज या खास फिल्म होती है तो उसके पहले बिल्कुल मैं गांव पे होता हूँ। तो अभी मिमी का ट्रेलर आना है और फिल्म आनी है 30 जुलाई को, और यही संयोग है कि फिर मैं आ गया हूँ आशीर्वाद लेने। हाँ खान देनी आप फिल्म आवता है, फिल्म आवता है को हमार फिल्म। हाँ पंकज त्रिपाठी की आने वाली फिल्म मिमी सरोगेसी पर आधारित है। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री कृति सैनन भी नजर आएंगी। फिल्म में पंकज एक ड्राइवर भानु की भूमिका निभा रहे हैं। मिमी एक डांसर है, राजस्थान में एक विदेशी कपल रहने के लिए आते हैं। दोनों बच्चा पैदा करने के लिए सरोगेट मदर की तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें मिमी पसंद आ जाती है, जिसके बाद भानु मिमी को उनके बच्चे की सरोगेट मदर बनने के लिए कहते हैं। इसके लिए मिमी तैयार हो जाती है और प्रेग्नेंट भी हो जाती है। कहानी में तब मोड़ आता है जब कपल उन्हें ये बच्चा गिराने के लिए कह देते हैं। इसके बाद कहानी इमोशनल हो जाती है। पूरी फिल्म में कॉमेडी की भरमार है, इमोशन भी है तो कहीं सरप्राइज भी है। हर बार की तरह पंकज ने नेचुरल अभिनय से इस फिल्म को भी जानदार व शानदार बनाया है। पंकज त्रिपाठी पिछले 17 सालों से लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। साल 2004 में फिल्म रन के साथ अपनी फिल्मी करियर का शुरुआत किया था और अब तक 40 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। वे हर फिल्म में एक नए किरदार में नजर आते हैं।